एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक सन स्वर्गीय सरदार मनजीत सिंह जवद्दी जी। सरदार मनजीत सिंह जवद्दी जी बहुत ही चंगी सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन, गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखे की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के किरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन सरदार मनजीत सिंह जवद्दी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई पाठ दे भोग 29 जनवरी दिन शुक्रवार गुरुद्वारा चरण शो प्राप्त 6वीं पातशाही विशाल नगर पखोवाल रोड नेड़े टैगोर स्कूल लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच रागी सिंघा वालों कीर्तन की हाजरी लगवाई अति आई हुई संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन की सिख्या दिती। सरदार मनजीत सिंह जवद्दी जी अपने पिछे अपने परिवार विच परमजीत सिंह धूर कैनेडा, भरा करमजीत सिंह, पुत्र यादविंदर सिंह जवद्दी, पोतरा राजविंदर सिंह जवद्दी, पुत्र बीबी हरचरण कौर, बीबी परमजीत कौर, पत्निया सतविंदर सिंह जवद्दी साबका कौंसलर ते सकत्तर पंजाब कांग्रेस, पुत्र मनिंदर सिंह जवद्दी, पुत्र पुष्विंदर सिंह जवद्दी, पुत्र पोते पोत्रियां आते समूह धूर ते जवद्दी परिवार नूं सदिवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वल्लों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद कीता गया। Thank you.
ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁੱਤੇ जिसकी मस्जिद सोई
Bye.
जिस सिमरत सब किल भी खनासें पितरी होए उदाहरण
कीर्तन बारे फोन किया सरदार सतिंदर सिंह महाराज ने भाई साहब जी लंबा समा के कीर्तन सुनाओ असं कदम कित कीर्तन करना सरदार मनजीत सिंह होना मिलना कीर्तन तो बाद साढ़े को बैठने काफ़ी बार गल है कहना भाई साहब जी कभी साढ़े गुरु घर आके कीर्तन सुनाओ हाँ पर कोई सुबोधना मिले सरदार मनजीत सिंह जी कीर्तन के जोगिंदर सिंह कर रहे पर तुम थोड़ा मन करता है कि असं कीर्तन करिए पर आया नहीं गया पर कीर्तन हो गया थोड़े बच्चों ने तुहाडी याद दे विच एक कीर्तन समागम हो गया जिसकी वस्त सोई लै जाएगा रोज सतगुरु की अलाही बाणी का कीर्तन करके श्रद्धा दे रहे सारे ने फुल भेट किए ने सारे परिवार वालों सरदार परमजीत सिंह जी कनेडा पछाण जो उन्होंने वालों सरदार मनजीत सिंह जी सपुत्र सरदार सतिंदर सिंह जी वती यादविंदर सिंह जी वती राजविंदर सिंह जी पुष्पिंदर सिंह जी मनिंदर सिंह जी उन्होंने पोते सनी गैरी एम पी दर सिमर अमन कौर ज्वती परिवार सारे संसार के बड़े रिश्ते नाते है कुछ रिश्तों ने जो भाई गुरदास जी ने बाली में चला दिता निकलना हो जाना सामने Thank you.
महाराज सब धन सहाय दशा पासी तन
ਤਨ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਕੇ ਆਰੇ ਚਰਨ ਸੰਜਾ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨਾ ਜਪਿਆ ਹਟਕੇ ਛੱਕਿਆ ਦੇਖ ਲਾਏ ਦੇਖ ਪਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਜਿਤਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚਦਾ ਦੇ ਸਦੀਵੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸਿਮਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਿਆ ਆਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਜਨਿਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਲਪਨਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇ ਦਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆ ਸਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗੇ ਕਾਰ ਕਰੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਜੀ ਕਰਨੇ ਲੋ ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੰਤ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਰਕੇ ਲਾਣਾ ਸਤਸੁਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਨ ਪੁੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟ ਮਾਰ ਦਾ ਭੇਟਾ ਹਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨੇ ਕਾਲ ਕੁੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਲਾਕੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਸਾਰ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਭਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ
संसार यात्रा पूरी करते हुए गुरु पासो गुरु महाराज को जिन्हें सौसा की बोली लेके आए थे उन पूरे करते हुए गुरु महाराज चरणों में जापना देवन आज जैसे सारे उन्होंने आत्मा की शांति दे रही अंतर अरदास में शामिल हुए वाहेगुरु उन्होंने अपनी चरणों में सुभाष बख्शन परिवार मित्र दोस्तों भाणा बनने का मनबख्शन गुरु प्यारे साहब संगत जी मैं ज्यादा कहीं ना दिता हुआ हूँ गुरुद्वारा साहब वालों दुद्ध साध की रस्म है वो होगी तो मैं भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी को बेनती करा वो इतने आने की कृपालता कर इसके नाल ही मैं भाई साहब भाई जगदीश सिंह जी तो भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी तो बीबी मनमोहन कौर जी जो सुखन साहब जी प्रधान है उन्होंने बेनती करा कितने आओ आप रस्म नए बीबी मनमोहन कौर जी स्थान ही मुख सेवा धोपी है सोपी है
मैं बेनती करांगा कि तुसी आज इत्थे प्रण करो कि अज तो बाद मैं सिंह सजांगा और गुरुवाल बनांगा। यह मेरी बेनती है, कोई गलती हो माफ करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। जो इस स्थान के मुख सेवादार सन, पिछले दिन सन अचानक मशोरा दे गए उन्होंने अज अंतम अरदास में शामिल हो रही। आप सारे रिश्तेदार मित्र दोस्त गुरु साहब के चरणों में हाजिर हुए हैं। मैं लंबा समा नहीं लेना क्योंकि समा बहुत हो चुका है। बहुत ही उन्होंने कमाई है समाज के अंदर, सियासत के अंदर, धार्मिक खेत्र के आप सारे अच्छे देख ही रहे हैं। जी जो उन्होंने कमाई की हुई है अच्छा बड़ा अकथ एक सबूत है उन्होंने कमाई का। सो उन्होंने मित्र दोस्त जो उन्होंने राजनीतिक दोस्त कीर्त साहबान धार्मिक खेत्र के जो गुरद्वारा साहब या कमेटियां के मुख सेवादार साहबान होर सारे सरकार समाज के आगू अब उन्होंने अंतम अरदास में शामिल होने आए हुए हैं। मैं जिते सारे का धन्यवाद भी करता उन्होंने सरकार कीर्त साहबान का उचेचे तौर पर धन्यवाद भी करता। मैं जिन्हें के नाम मैं लिख सके हाँ मेरे तो भी सारे लिखे नहीं जा सके, मैं एक नाम लवागा। उस तो बाद सिर्फ एक बारे जो इस परिवार के मैंबर हैं सबका मंत्री सरदार रणजीत सिंह गागर जी आज भी संघ का धन्यवाद भी करेंगे और उन्होंने जो जीव है वो संबंध में भी ध्यान पाएंगे। सो बहुत ही सरकार जो हलका आनंदपुर साहब तो श्री मनीष चौहान जी जिन्हों का इस परिवार के बहुत ही नेड़ा संबंध है, वो पिछले दिन जो ये दुख समाचार मिलया उस तो 30 दिन थोड़ा बड़ी हस्ते आ गए हैं। उन्होंने नाम श्री बाबा दरबान जी जो चेयरमैन ने वह अज की जी हाजरी है हाजरी लगा के गए हैं लीडर साहबान ऑफिसर साहबान घरे इतने ज हाजिर हैं। मैं सारे के नाम जिन्हें कि मैं सच मैं बोल रहा बहुत ही सत्कार जो ADGP अमरदीप सिंह राय साहब सारे शहर के पुलिस कमिश्नर रणजीत अग्रवाल जी जगपाल सिंह मूरा जो सकत्र ने साढ़े कांग्रेस के पंजाब के चरणजीत सिंह अग्रवाल जी सबका डिप्टी स्पीकर पंजाब विधानसभा सुरेंद्र डावर जी MLA साहब जो सेंट्रल हल्के को मलकीर सिंह जी दाका सबका मंत्री पंजाब गणेश सिंह लापरा साहब जो साढ़े जिला परिषद के मैंबर ने कमल जेली जी जो हल्का पछमी तो BJP के इंचार्ज ने हीरा सिंह गावड़िया सबका मंत्री पंजाब बहुत ही सत्कार जो धार्मिक शख्सियत संत बाबा रणजीत सिंह जी नथू माले संत बाबा अनीर सिंह जी जो जबती टकसाल वाला हमने गए हैं संत शमशेर सिंह जी जगेड़ा महेश चंद्र सिंह जी गरेवाल सबका मंत्री पंजाब संजय दरबार MLA साहब कुलदीप सिंह वायर MLA साहब बिमल सुपरी जी जो मीडिया इंचार्ज ने मुख्यमंत्री पंजाब अमरजीत सिंह टिक्का जी चेयरमैन साहब इकबाल सिंह जी गरेवाल श्री कृष्ण कुमार बाबा जी चेयरमैन साहब इंस्पैक्टर पवित्र सिंह जी इंस्पैक्टर सुरेंद्र कुमार चोपड़ा जी DSP गुरविंदर सिंह जी DSP गुरदेव सिंह जी DSP रणधीर सिंह जी SP सरदार नरजीत सिंह विर्क साहब परमजीत सिंह जी भगती अशोक प्राचन पक्की जी प्रगट सिंह गरेवाल जी धरनी सिंह खेड़ा जी रणजीत होनी जो सारे पंजाबी कलाकार ने प्रितपाल सिंह पाली जी जो मुख सेवादार ने गुरद्वारा दरबार साहब के सवार मान सिंह जी डाका साहब सबका DGP DR पट्टी गुरसिमरन सिंह बाणी जी
ਸ਼ਰੀਰ ਕਪੂਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਮਹਿਪੂ ਜੀ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਵਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਕਾ ਆਦ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਬੜਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਡੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚੀਲਾ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਓਮਕਾਰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੰਡਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲੀ ਜੀ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨੰਬਰ 38, ਕਰਨ ਸੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਗੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲੋਹਾਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਲ, ਰਣਜੀਤ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਪੌੜਾ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰ
जथेबंदी का मोटी इंसान जेड़ा जेड़ा उन्होंने अपना भरा समझा सी क्योंकि सरदार रणजीत सिंह जवद्दी आप तो बड़िया का सत्कार करने वाले सन आप तो छोटिया प्यार करने वाले सन और लुधियाने शहर के भुगे में फसया होया यह बद्दी नगर छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों की शोभ प्राप्त एक गुरु घर के निशान सेवक के तौर पर वो सेवा निभाते रहे और आम तौर पर कहा जाता है कि तीन ही जग जोड़े ने भगत सूरमे दानी और उन्होंने अपने जीवन में इस गुरु घर की सेवा करके और वैसे भी और संत बाबा कीचर सिंह जी महाराज राणा साहब वालिया के भी श्रद्धालु सन क्योंकि इस नगर दीवान लगते रहे और जोड़े संस्कार सन धार्मिक तौर पर धार्मिक वृत्ति के वो अपने संस्कार जो माता पिता से मिलते हैं उन्होंने सपुत्र सरदार ज्ञानेंद्र सिंह सरदार सतेंद्र सिंह राज और छोटे बच्चे और उन्होंने पोतरे पोतरिया जिन्होंने अपने होटल में बिठा के और मैं समझा कि देश भगती का जज्बा सेवा की भावना की मूर्ति जी है उन्होंने दिखती सतरेंद्र भावे कौंसलर अब बहुत सारे लीडर साहबान का तगड़ साहब ने जिक्र किया है और मैं समझा कि कोई भी इंसान जोड़ा है वो धर्म तो धड़े तो पार्टी वाली तो उपर उठ के अगर समाज में निकलता है तो मैं समझा कि जो शुरू का सरमाया वो इस इंसान के हिस्से में आता है जो सरदार रणजीत सिंह जवद्दी सन सो मैं ज्यादा कुछ ना कहता होया सारी संगत के नाल बन के परिवार के दुख में शरीक होता होया क्योंकि अक्सर उन्होंने को घर आने जाने का मौका लगता सी हर एक दोस्तों के भाईवाल आते सही बार घरेलू समस्यावान होंदिया ने उन्होंने बारे भी विचार करते रहे और इस तरह का साथी इस तरह का भरा मैं अक्सर हमेशा उन्होंने अपना छोटा भरा मानिया छोटा भरा कह के वो हमेशा मैं बुलाते सन और जितने मैं समझा कि समुचे तौर पर उन्होंने समुचे परिवार को दोस्तों मित्र रिश्तेदार साख संबंधियों एक नाम पूरा होने वाला घाटा पड़ा उसे मैं जाति तौर पर अनुभव करता कि दास को भी आज जिन्हें संगत के रूप में आप सारे बैठे हाँ सारे जाति तौर पर उन्होंने जाने का घाटा पड़ा सो मैं सारी संगत के नाल रल के परिवार के दुख में शरीक होता होया अपने वालों अपने परिवार वालों कांग्रेस की पार्टी वालों क्योंकि सरदार मेहर सिंह जी मनो मुख्यमंत्री पंजाब असं सारे साथी जो माड़े समय के अंदर उन्होंने नाल काम करते रहे हैं उन्होंने परछावे रहने वाले सरदार रणजीत सिंह जवद्दी जी सन सो अब बड़ा दुख है सो आप अज इस दुख की घड़ी में सारिया ने रल के संघ के रूप में अरदास की है सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे पिछे परिवार सारे भाणा मन का बल बख्शे अंत में मैं समझे परिवार वालों अपने वालों कांग्रेस पार्टी वालों आई हुई समूह संगत का प्रकान प्रकान धन्यवाद करता जिन्होंने आके साडे परिवार का दुख मनाया इन्होंने शब्दों इन्होंने नियमों ने जा चुका वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत सारे शुभ मते संस्थाव वालों आए हैं कनेडा तो मनजीत सिंह कनिस्तर जी कनेडा तो जनैद सिंह ठाकुर जी कनेडा तो गुरमीत सिंह गड्डी जी अमरीका तो गुरचन सिंह बिरकू जी हरियाणा तो एस पी सिंह प्रधान रामगढ़िया भाईचारा अमृतसर तो हरजीत सिंह खाड़ू जी अमृतसर तो हरभजन सिंह शी जो अकाली दल के प्रधान ने न्यू किसान सिटी वैलफेयर सोसायटी वालों शुभ मता आया
सनातन तारा मंदिर के बेटे पंजाब महानगर अखोर शोभा आया पंजाब महानगर वेलफेयर एसोसिएशन मक्कोवाल लुधियाना वालों शोभा आया काली का पवन मेन हमरा उन्होंने शुभमता है श्री गीता मंदिर शनि धाम प्रकाश नगर उन्होंने शुभमता है कनौजिया महासभा उन्होंने शुभमता है न्यू पंजाब नगर वेलफेयर एसोसिएशन उन्होंने शुभमता है गवर्नमेंट हाई स्कूल जवती उन्होंने शुभमता है वेलफेयर सोसायटी शहीद मास्टर करनैल सिंह नगर फेज 10 उन्होंने शुभमता आया गुरद्वारा शहीदा अमर शहीद दर्शन सिंह फेगमान ट्रस्ट वालों शुभमता आया सो जिन्हें भी मैं नोट कर सकिया उन्हें भूल सकिया कुलदीप सिंह बेटा कौंसलर साहब आए हैं हरचंद सिंह गोलवड़िया साढ़े सबका मेयर साहब वो भी आए हैं परिवार साझा करते रहे पाकिस्तान तो कबड्डी टीम के कोच सरद पाठी उन्होंने एक संदेश भेजा है हूँ नवा समा कर रहे हैं शामा की मैच के सो जिते जिते जितने उनका प्यार से उन्हें सारा इन्होंने याद किया है क्योंकि नवा असा समाज के अंदर राजनीतिक पिंड बिछड़े हैं सो किसी का नाव मैं भूल तो रह गया उन्होंने खिमा जाचक हाँ परिवार वालों बेनती है सरदार रणजीत सिंह जवती जिन्हों के पांच सपुत्र ने सरदार जादविंदर सिंह जी जवती जो एक साल पहला परिवार को छोटा दे गए सन वो बड़े सन सतविंदर सिंह जवती राजविंदर सिंह जवती मनिंदर सिंह पुष्पिंदर सिंह जवती मनिंदर सिंह जवती पंजे सपुत्र परमजीत सिंह उन्होंने भरा कनेडा के उनका परिवार कनेडा के है सो इस परिवार वालों सारे भाई संघ का अपने जवाब जी साझे करते ਦੇਵੀ ਬਰੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਜੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਾਨ ਜਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਰਜ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।